अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज। अब हमने जो डाटा कलेक्ट किया, अगर हम उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे, हमने लास्ट डाटा कलेक्ट किया, अब उस लास्ट डाटा को अगर हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी नहीं होगा। अब स्टैट्स में हम डाटा को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, इससे हमें डाटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और एनालाइज करना इजी हो जाता है। तो स्टैट्स सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्सिटीज, स्टैट्स कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि एक एयर क्रैश के अंदर बहुत से लोग फोट हो गए, और हम एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं कि एक एयर क्रैश के अंदर 200 लोगों की डेथ हो गई। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रही है? सेकंड स्टेटमेंट। स्टैट प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को डेफिनेट फॉर्म के अंदर, उस फॉर्म के अंदर जिसके अंदर हमें डाटा को अंडरस्टैंड करना, स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना इजी हो। बेसिकली स्टैट प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। न्यूमेरिकल फॉर्म से क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है हमारे लिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा है। अब थर्ड फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कंपैरिजन ऑफ डेटा। स्टैट्स में चीजों को कंपेयर करना इजी होता है, आसान होता है। अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने अपनी एक ईयर की सेल ली है और प्रीवियस ईयर की सेल ली है और हमने इस ईयर की अपनी सेल ली है। अब हम इन दोनों डेटा के सेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि हमने किस ईयर में ज्यादा सेल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हम 2023 की ईयर का सेल्स ले लेते हैं और एक 2022 ईयर की सेल्स ले लेते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमने किस ईयर में ज्यादा सेल की है। इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती है। फोर्थ फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स स्टडीज रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फैक्ट्स। स्टैट्स में हम डिफरेंट फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं, जैसे कि हम कह लेते हैं क्रॉप्स, फसल, फसल किन चीजों से अफेक्ट होती है, फसल फर्टिलिटी ऑफ लैंड से अफेक्ट होती है, हमारी जमीन कैसी है, जरहीरा है बंजर है, इससे अफेक्ट होती है, और किस चीज से अफेक्ट होती है, रेनफॉल से, बारिश से इफेक्ट होती है, और खाद की मिकदार, इन सब चीजों से इफेक्ट होती है। तो ये सैंपल्स में आ सकती है और भी बहुत सारे आ सकते हैं। अब देखें कि जो क्रॉप है उसका रिलेशनशिप है इन सब चीजों के साथ, ठीक है। फिफ्थ फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स स्टडीज चेंज इन द लेवल ऑफ गिवन फिनोमिना। अब हम फिनोमिना मतलब हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। अब इसमें हम ले लेते हैं कि हम डिफरेंट गुड्स ले लेते हैं, डिफरेंट चीजें ले लेते हैं। अब उनकी प्राइसेस आपको पता है कि चेंज होती रहती हैं, तो अब प्राइस में कितना चेंज आया है किसी एक गुड्स की वो आप एकदम से नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मेथड्स होंगे जिनके थ्रू आप फाइंड करेंगे कि इसकी प्राइस में कितना चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गुड ले लें, उसकी प्रीवियस प्राइस लें और आप उसकी अभी वाली प्राइस लें, आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा इतना चेंज आया, ठीक है। तो कोई भी हमने फिनोमेना ले लिया, उसके अंदर कितने लेवल का चेंज आ रहा है इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, साइंसेस आ गई है। सिक्स फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स एज फोरकास्टिंग। इसमें आता है कि प्रिडिक्शन करना। फॉर एग्जांपल हम अपनी 6 मंथ की सेल ले लेते हैं। अब हम अपनी सेल्स के फैक्टर्स को देख के हम बता सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में कितनी सेल होगी, ठीक है। इसलिए हम एक अंदाजा लगाते हैं अपनी सेल को देख के, प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे कि हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स की एक शॉप है जो टायर्स बनाते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या चीज देखनी पड़ेगी, उसके लिए उन्हें ये देखनी पड़ेगी कि हाँ वो मोटरसाइकिल्स के टायर्स बनाते हैं, तो देखेंगे कि कितनी मोटरसाइकिल्स हैं फिर उतने टायर्स बनाएंगे ना, तो उसमें ये चीज आ जाती है, पॉलिसीज आ जाती है। नेक्स्ट एट माइक्रो फंक्शन है कि स्टैटिस्टिक्स टेस्ट द लॉ ऑफ अदर साइंसेस। स्टैट्स बहुत से फील्ड्स में यूज होता है, साइंस के बहुत से फील्ड्स में यूज होता है। हम डाटा को देखते हैं, फिर वहां से हम देखते हैं कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं। स्टैट्स को साइंस की बायोफील्ड में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी होता है, सोशल साइंसेस की फील्ड्स में भी यूज होता है। तो ये माइक्रो फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स। अल्लाह हाफिज़।